हेलो एवरीवन, त्योहारों का सीज़न आ रहा है और इन त्योहारों के सीज़न को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड फेमस कराची हलवे की आसान और सही रेसिपी, जिसे आप देखेंगे और जब घर में बनाएंगे तो आपका भी कराची हलवा मार्केट से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और च्यूई बनेगा। तो इसे स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। कराची हलवा बनाने के लिए हमने 100 ग्राम घी लिया है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और ऑरेंज फूड कलर भी हमने ले लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें। हमने यहाँ पर काजू और बादाम ले लिए और 8 से 10 इलायची ले ली और हम 2 चम्मच तरबूज के बीज और 1 चम्मच खसखस ले लेंगे, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। एक बोल ले लेंगे जिसमें कराची हलवा सेट करना है, उसे हम घी के साथ में इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे इसे, ताकि इसमें हलवा चिपके नहीं। चारों तरफ अच्छी तरह घी लग चुका है, इसके अंदर बटर पेपर बिछा देते हैं और उसके ऊपर भी घी से इसे ग्रीस कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेंगे, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का घोल बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 बड़ा कप कॉर्नफ्लावर लिया है, अगर नाप से देखेंगे तो 125 ग्राम कॉर्नफ्लावर हमने ले लिया। अब इसके अंदर 3 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी मिला लेंगे, नाप से देखेंगे तो 750 ml पानी है। इसे अच्छी तरह से इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कोई भी गुठली ना रहे, इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ट्रेडिशनली कराची हलवा जब बनाया जाता है तो उसमें गेहूं का स्टार्च डालते हैं, जिसे निशास्ता कहते हैं। वो आम तौर पर हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता और घर में बनाना भी बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर आसान सी रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर कॉर्न स्टार्च यूज किया है और ये हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एक पैन ले लेते हैं। पैन हमेशा मोटे तले का लें या फिर नॉन स्टिक पैन लें। इसके अंदर हमने 400 ग्राम शक्कर मिला ली और साथ ही आधा कप पानी यानी कि 125 ml पानी इसमें डाल देंगे और शक्कर को घुलने तक पका लेते हैं। शक्कर अच्छी तरह घुल चुकी है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे ताकि शक्कर में कोई क्रिस्टल ना रहे और जब हलवा खाएं तो मुंह में शक्कर के दाने ना लगें। शक्कर को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ चीनी घुलने तक ही उसे पकाना है और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर का जो घोल बना के रखा था उसे भी हिलाते हुए धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे। एक साथ घोल को नहीं डालें, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, घोल को धीरे धीरे मिक्स करते हुए शक्कर के अंदर मिलाते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। शक्कर के अंदर कॉर्नफ्लावर के घोल को डालकर इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपके कॉर्नफ्लावर के घोल में गांठें पड़ जाएगी और फिर जब आप हलवा खाएंगे तो उसमें मुंह में गांठें सी आएगी। हमें आंच को मीडियम ही रखना है, आंच को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है और लगातार चलाते हुए इसे इसी तरह से पकाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉर्नफ्लावर के घोल में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। लगातार 5 से 6 मिनट तक इसे हमने हिलाते हुए पकाया और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब देखिए आप, इस तरह से ये गाढ़ा हो रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कॉर्नफ्लावर का घोल गाढ़ा और चमकदार होना शुरू हो गया है। इसे इसी तरह से 5 मिनट तक धीरे आँच पर पका लेते हैं। अब मेहनत का काम तो यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, क्योंकि हमें जितना स्ट्रेची और च्यूई हलवा बनाना है, हमें अपने इस मिश्रण को उतनी ही ज़्यादा देर पकाना है। अगर आप कराची हलवा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर के घोल को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 4-5 मिनट पकाने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे। और अगर ज़्यादा स्ट्रेची बनाना है तो हमें इसे कम से कम 40 से 45 मिनट तक पकाना है। यहाँ पर हमने 4-5 मिनट तक इस घोल को पका लिया और अब बारी आती है इसमें घी मिलाने की।
एक एक चम्मच करके हमें घी धीरे धीरे डालना है, सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे हम। घी एक एक चम्मच ही मिलाते रहना है और उसे हिलाते हुए पकाते रहना है। जब तक कि घी पूरा समाए नहीं तब तक दूसरा चम्मच घी ना डालें। एक चम्मच घी डालें, पूरा घी जब ये सोख ले तब दोबारा दूसरा चम्मच घी डालें। इसी तरह से हमने जो 100 ग्राम घी लिया था वो बैचेस में धीरे धीरे डालते हुए 100 ग्राम पूरा इसमें डाल दें। हमने कराची हलवे को इस तरह से 45 मिनट तक लगातार पकाया है क्योंकि हमें हलवा ज़्यादा च्यूई और ज़्यादा स्ट्रेची चाहिए था। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेची हलवा पसंद नहीं करते हैं, मीडियम स्ट्रेची पसंद है आपको, तो फिर आप इसे कम पकाएं, लगभग आधे घंटे तक। और अगर बहुत ही सॉफ्ट हलवा खाना पसंद करते हैं, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो इसे चबा नहीं पाएंगे, तो आप सिर्फ 15 मिनट तक ही इस घोल को पकाएं। 40 से 45 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम फूड कलर डालेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर इसमें मिला लें, जैसा कि हरा, पीला, गुलाबी, जो भी कलर आपको पसंद हो। हमने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इसमें मिला लिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर इलायची को कूट कर डाल देंगे। इलायची हमेशा फ्रेश कूट कर ही डालें ताकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बना रहे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हिला लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हम एक प्लेट में डालकर ठंडा कर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये बॉल जैसा बन गया। इसे जब खींच कर देखेंगे तो ये रबड़ की तरह खिंच जाएगा। अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे हलवे की, इससे ज़्यादा हम और नहीं पकाएंगे। अब हम हमारे इस प्यारे से हलवे में मिला लेते हैं अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से आप कम या ज़्यादा मिला सकते हैं। साथ ही हमने मगज के बीज और खसखस को इसमें मिला लिया है। इसमें जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होंगे उतना ही हलवा मज़ेदार लगेगा। इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिला लेने के बाद में अब हम इसे इस तरह से साइड से स्क्रैप करते जाएंगे और लपेटते जाएंगे और 4-5 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर बहुत चीज़ का ध्यान रखना है कि हलवे को इतना ही पकाना है जितना स्ट्रेची करना है। हमने 40 से 45 मिनट पकाया है तो हमारा हलवा बहुत ही स्ट्रेची और च्यूई बना था क्योंकि हमें ऐसा पसंद है। आपको स्ट्रेची और च्यूई हलवा नहीं पसंद तो आप सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट तक ही हलवे को पकाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग का ध्यान रखें। घी छूट चुका है और इसे हम ग्रीस की हुई ट्रे में डाल के जमने के लिए रख देंगे और फिर इसे सेट होने के लिए 30 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, तो फिर जी हाँ, हमारी मेहनत का फल हलवा तो होना ही चाहिए। आपने देखा हमने कितनी मेहनत करी और ये शानदार और मीठा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे और फ्लेवरफुल और लुक्स को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम मगज के बीज और खसखस को स्प्रिंकल कर देते हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं तो उसके ऊपर पहले हम रिसर्च करते हैं और उस रेसिपी को घर में बनाकर ट्राई करते हैं और जब रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ही आपके साथ हम रेसिपी शेयर करते हैं, ताकि जब भी आप अपने घर में रेसिपी को बनाएं तो आपका सामान और टाइम वेस्ट ना हो और आप भी सही और अच्छी रेसिपी बना पाएं। 30 मिनट तक हलवे को सेट होने के लिए रखा था और अब ठंडा हो चुका है तो इसे हम साइड से इस तरह से चाकू की हेल्प से ढीला कर लेते हैं ताकि इसे निकालने में आसानी हो। अब बड़ी ही सावधानी के साथ हलवे को ट्रे से बाहर निकाल लेते हैं। अब बटर पेपर को हटा लेंगे और हलवे को सीधा कर पिज्जा कटर या फिर चाकू की हेल्प से इसे मन चाहे आकार में पीसेस में काट लेंगे। हमने हलवे को चौकोर पीसेस में काट लिया और इस तरह की प्लास्टिक शीट में इसे रैप करके रख लेंगे ताकि हलवा आपस में चिपके नहीं। इस तरह की प्लास्टिक शीट आपको पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी।
अब एक एक पीस को लेते रहेंगे और इस तरह से प्लास्टिक शीट में रैप करते जाएंगे और फिर बॉक्स में उसे रखते जाएंगे। जितनी माप हमने वीडियो में बताई है आप भी सामग्री उतनी ही माप से लेंगे तो हलवा 750 ग्राम के आसपास बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम किसी भी एक पीस को लेते हैं और उसे अनरैप करके आपको दिखाते हैं कि हलवा कितना स्ट्रेची और च्यूई बना है। तो फिर बना है ना मार्केट जैसा च्यूई और स्ट्रेची कराची हलवा। आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।